प्रिय विद्यार्थियों, कल कालांश में मैंने आपको 5.2 के 2 तक प्रश्न कराए। तीसरे का मैंने आपको करने को बोला था, अगर नहीं हुआ हो तो मैं थोड़ी हिंट लगा देता हूँ इसमें, चाहे दूसरे का पहला प्रश्न ही है। दूसरे का पहला देखिए, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है, -81 है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद। अब ये जो है ये पता क्या है, an है। क्या है? an। ये कौन सा पद? ये an है। क्या है? ये an। तो हल, मैंने आपसे बोला था कि a d n an, a बोलो क्या है, a 21, d a2 माइनस a1 सार अंतर है। बोलो भाई 18 माइनस 21 बराबर बोलो कितने आ गए, -3। एन ज्ञात करना है, एन बोलो कितने का, -81। सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। या का निशान है भाई, ए एन बोलो कितने का, -81। ए का मान 21 प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी, बताओ कितने का। एक कोष्टक में धरना पड़ेगा आपको -3, एक कोष्टक में धरना पड़ेगा -3। करो भाई, -81, 21 ये आगे आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये एन माइनस एक, 21 माइनस 3 एन प्लस 3 -81 24 -3 एन। हाँ भाई, ये दोनों जुड़ गए भाई, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतर करो भाई, इधर ले आओ, 3 24 प्लस 81 एन बराबर 105, 3 3 और 3 5 15 3500 पद, -81 है, जो हो गया देख लो भाई, उतार लो इसको। चाहिए दूसरा, एपी 84, 80, 76 .. का कौन सा पद शून्य है। हाँ भाई, हल
बोलो। प्रथम पद सार्वांतर, पदों की संख्या अंतिम पद। बोलो प्रथम पद कितने के? 84। सार्वांतर याद है का सूत्र, ए टू माइनस ए वन सूत्र है ये। बोलो 80 माइनस 84 कितने आ गए? माइनस के 4। अवरोही क्रम है एन, ज्ञात करना है एन, ये 0 है। क्या है? 0। सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन कोष्ठक बंद डी। एन धरो 0 बराबर, बोलो ए को मान 84 प्लस डी को मान, ये माइनस करना पड़ेगा आपको ध्यान कर ले, कोष्टक माइनस में आता है। बोलो भाई बोलो, ये माइनस के 4 n प्लस के 4 इन्हें जोड़ दो भाई। पक्षांतर करने पर बाईस क्या तीसरा, क्या संख्याओं के अनुक्रम क्या संख्याओं के अनुक्रम पांच ग्यारह, पांच ग्यारह क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट संख्याओं के अनुक्रम 5, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 300 के का कौन सा पद 301 है? आ जा भाई, अब क्या को मतलब निकालना है अनुक्रम। बोलो ए बराबर 5, बोलो डी बराबर a2 - a1, 11 - 5 बराबर 6, एन ज्ञात करना है an 301। 301 के ना कोई पद, कौन सा पद 301? हाँ भाई धरो,
301, A कॉमन 5, N कॉमन 9, D कॉमन कितने का 6, हाँ भाई गुणा कर लो इसका, इसका इसका गुणा करो, बोलो भाई 5 प्लस अपने पक्ष पहले हल कर लो, इसको हल करो भाई, कह को बताओ, यहाँ धर दो 6 एन और माइनस के कितने आ गए 1, ध्यान रखना है 6 में से 5 गए तो माइनस का 1 आ गया, आ जाओ अब इसका पक्षांतरण करने पर करो भाई, माइनस के 6 एन माइनस का 1 माइनस के 301, माइनस का 6 एन बराबर माइनस 302, अब देखिए माइनस से माइनस हट गया, एन बराबर 302 बटे 6, 6 ही आ गया, 1 का मान 5 धर दिया अपन ने, ये 301 है ही है। अब ऐसे करो, 2 तो काट दो इसको, ये भाग दे दो, 300 2 में 6 का भाग दे दो, छप्पन 30 0.0 छी 18 छी 18 छी 18 50.33 या 302 बटे 6 1 5 1 बटे 3 3 5 15 है, ऐसे लिख दो जब भी सही है, चलो या ऐसे कर सकते हो या 50 सही 2 बटे 6 बराबर 50 सही 1 बटे 3 आ जाओ। अब ध्यान रखना है एन का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या 301 एन का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, कोई भी पद 301 नहीं है, ध्यान रखना है भाई, मैं धनात्मक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, ध्यान रखना है धनात्मक, चौथा क्या संख्याओं के अनुक्रम क्या समांतर श्रेणी क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 का
क्या समांतर श्रेणी 11852 का एक पद माइनस 150 है? माइनस 150 है। ए 11, डी 11, ज्ञात करना है ए एन माइनस 150। सूत्र का भाई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी। ए एन माइनस 150, ए का मान एन माइनस एक, डी का मान माइनस 3। माइनस 150, 11 प्लस, अब प्लस नहीं गुणा करना भाई इसका, इसका माइनस 3 का गुणा इससे करो, ध्यान कर लेना, माइनस प्लस प्लस गुणा माइनस करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 3 एन प्लस के 3, ध्यान कर लेना, माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस आता है, समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। अब आ जा भैया, माइनस के 150 बराबर, बोलो भाई, 14 माइनस के 3 एन, यहाँ का निशान लगा, चलो पक्षांतर करो, तीन एन बराबर 164 हो गया क्या? ग्यारह 314, हाँ भाई, अब भाग दे दो इसमें, इधर कर रहा हूँ, इधर भाग देने पर आ गया आपका एन बराबर 164/3, 3 5 15, 3 5 15, 164 में आप 3 को भाग दो, 3 5 15, 3 6 12, 2/3, एन का मान धनात्मक संख्या नहीं, कोई पद नहीं, देखो एक मिनट, दोनों देख लो इसको, नहीं है, नहीं सही है, कोई पद नहीं है, हो गया आपको भाई। नोट कर लो इसको,
तीसरा यहाँ से बदल गए भैया प्रश्न भी। तीसरा समांतर श्रेणी का छठा पद सत्र है क्रम से इतना है, 1900 पद इतना है, तो यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा तो सत्रवा पद यदि समांतर श्रेणी का छठवा पद तथा सत्रवा पद क्रम से उन्नीस और 41 है, हेतु सत्रवा पद 1941 है, 40वां पद ज्ञात कीजिए। 40वां पद ज्ञात करो। अब थोड़ा सा सवाल अलग ही बदल दिया भाई, तो इसको आपको क्या करना है, अब देखिए समांतर श्रेणी का छठवा और सत्रवा, अब इसमें दो दो सवाल मिला दिए तो हल माना। समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी। हाँ भाई देखिए छठवा पद उन्नीस है, यानी कि ए छः बराबर उन्नीस, तो सूत्र लगाइए ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक वन डी बराबर ए एन। ध्यान रखना ये सूत्र है भाई, ए प्लस छठा ने छः माइनस एक डी बराबर उन्नीस, ए प्लस पाँच डी बराबर उन्नीस, समीकरण नंबर एक। ध्यान रखना भैया ये सवाल अब थोड़े अलग अलग पैटर्न के हैं, तो एक सवाल ये छठवा पद हो गया, अब है सत्रवा पद, सत्रवा पद कितने का है 41, ए 17 बराबर 41, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए प्लस 16 डी बराबर 41, ए प्लस 17 माइनस 1 डी बराबर 41, ए प्लस 16 डी बराबर 41। समीकरण नंबर दो, इनको हल करने की दो विधि है, कितनी विधि है, दो विधि। विलोपन प्रतिस्थापन, विलोपन प्रतिस्थापन मैं विलोपन विधि लिख रहा हूँ, इधर विलोपन विधि
ए प्लस 5D बराबर 19 ए प्लस 16D बराबर 41। ये विलोपन विधि है। हाँ भाई, ये समीकरण एक, समीकरण नंबर दो। समीकरण एक में से दो को क्या करने पर, घटाने पर, तो देखो चिन्ह चिन्ह माइनस माइनस और माइनस घटाना पड़ेगा सर, तो ये घट गया आपका, ये वाला ले भाई। बताओ क्या बचा यहाँ, माइनस के कितने बच गए बताओ, 16 में से 5 गए तो 11 बच गए क्या बताओ, 41 में से 19 गए तो कितने बच गए बताओ, माइनस के 22 बच गए क्या, 9 और 2 11, 2 एक 3 4 सही है। तो आ जा भाई, डी बराबर माइनस 22 बटे माइनस 11, तो डी बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। कोई से मान रख सकते हो आप, समीकरण एक में रख दो चाहे तो, समीकरण एक में डिवाइड हाँ एक ये रहा, ए प्लस 5D बराबर 19, बोलो डी बराबर 2 धरो, ए प्लस 5D बराबर 19, थोड़े बड़े बड़े भाई सवाल। अब आ जाओ आप, ए बराबर कितना आ गया आपका 9 और डी बराबर 2, सोलह में 5 गए तो 11 बच गए ना, और 9 दो 11, 2 3 और 1 4, 11 दो 22, 2 आ गया। एन बराबर कितने का भाई 40, ए एन बराबर ए का मान 9 प्लस एन का मान 40 माइनस 1, डी का मान 2, 9 प्लस 39 गुना 2, 9 दुनिया 18, 7, 9 दुनिया 18, 3 दिन 4 एक 7 आया, 8 दिन 16 17, हाँ चालीस रुपये 87 है। देखो सही है का एकदम सही आगो हटाओ, ये सवाल हो गया भाई, आगे थोड़ा सा बढ़ा दे वो, ये सेकंड विधि और करा दो मैं आपको, प्रतिस्थापन विधि याद देख लो, प्रतिस्थापन विधि समीकरण एक खाए,
ए प्लस पाँच डी बराबर उन्नीस, ए बराबर उन्नीस माइनस पाँच डी, समीकरण नंबर हो गया आपका तीन। आया हो समीकरण दो में, समीकरण तीन से मान रखने पर, समीकरण दो में समीकरण तीन, समीकरण दो देव खाएं जीरा ए प्लस सोलह डी बराबर इकतालीस, यही है क्या? धरो भाई ए का मान धरो, उन्नीस माइनस पाँच डी, उन्नीस माइनस पाँच डी प्लस सोलह डी बराबर इकतालीस, बताओ क्या बच के? ग्यारह डी बराबर इकतालीस माइनस उन्नीस, ग्यारह डी बराबर बाईस, डी बराबर बाईस बटे ग्यारह, डी बराबर कितने आ गए? दो आ गए। समीकरण तीन में डी बराबर दो रखने पर धरो भाई ए बराबर उन्नीस माइनस पाँच गुणा दो, ए बराबर नौ, डी बराबर दो देखा चाहते। अब आगे हल कर सकते हैं, बोला ये डी का मान ए का मान निकालने का तरीका, एक मान तो ये रहा विलोपन विधि, ये तो विलोपन विधि है आपकी, ये प्रतिस्थापन विधि है। अब कौन सी सही लगी वो आप देख लेना, विलोपन विधि भी चलती आएगी आगे तक, ये प्रतिस्थापन विधि है, चाहे तो यहाँ से कर लीजिए हो, चाहे ये निकल गए यहाँ से कर, ये निकल गए, ये सरल पढ़ रही है, कोई सरल पढ़ रही हो तो अच्छी, आप देखते जाओ। नोट कर लो इसको, ये थोड़े से अलग ही हैं। अब देखो किसी समान तीसरा नवे पद क्रम से मिलने हैं तो कौन सा पद शून्य है, किसी लाल देख लूँगा, सवाल नंबर कौन सा है, चौथा देखे, चौथा किसी एपी एपी के तीसरे और नवे पद, किसी एपी के तीसरे और नवे पद पद क्रम से है, पद के चार और माइनस माइनस आठ है तो कौन सा पद शून्य है, शून्य है। अब देखो तीसरा पद नवा पद ये ले, अब हम लिख दो पहले आप, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए,
डी। हाँ भाई, ए तीन बराबर चार, ये तीसरे और नवे पद क्रम से इतने इतने हैं, कौन सा पद होगा? हाँ तो ए बराबर चार, ए प्लस एन नहीं बना दो, या ए प्लस एन माइनस एक कोष्टक में डी ए एन। बोलो भाई ए कितने गए, ए प्लस एन नहीं ना है तीन दिखे, डी का मान ना है बराबर कितने गए चार, ए प्लस दो डी बराबर चार, समीकरण नंबर एक। बोलो भाई ए नौ बराबर कितने के माइनस आठ, या करके डायरेक्ट लिख सकते हो, बोलो कितना हो जाएगा, ए प्लस आठ डी कितना हो गया भाई, ए प्लस आठ डी, ए प्लस ए नौ है ना, नौ माइनस एक डी बराबर माइनस आठ, ए प्लस आठ डी बराबर माइनस, समीकरण नंबर दो। एक कम या हो जाएगा, एक कम या हो जाएगा, विलोपन भी देते कर रहा हूँ भाई मैं, कितने को बताओ, माइनस के छः डी, ये दोनों जुड़ेंगे बारह हो गए भाई, डी बराबर बारह बटे माइनस छः बराबर माइनस के दो, आ जाओ समीकरण कौन से में धर दो, एक में रख दो, कोई से में धर दो दोनों उत्तर आएगा, समीकरण एक में डी बराबर माइनस दो रखने पर ए प्लस दो डी बराबर चार, धरो भाई डी बराबर माइनस दो धर दो, ए प्लस दो माइनस दो बराबर चार, ए प्लस सॉरी माइनस दो दुनी चार बराबर चार। हाँ भाई अब देखिए पक्षांतर करो इसका, करने पर पक्षांतर करो भाई, तो ए बराबर चार प्लस चार ए बराबर आठ, और डी बराबर कितना हो गया माइनस के दो, क्या बोल रहा है कौन सा पद बताओ, का ये एन बराबर जीरो, ए प्लस एन माइनस एक कोष्टक बंद डी बराबर एन, ए का मान आठ, एन माइनस एक, डी का मान बोलो का ये है, ये कोष्टक मान का बराबर का दर्द हो यहाँ जीरो, करो भाई करो इनका, पहले इसका आठ इसका माइनस दो का गुणा करोगे तो माइनस के कितने हो गए दो, एन प्लस के कितने हो गए दो, बराबर का यहाँ होगा जीरो,
हाँ भाई कितने हो गए, 10 - 2n = 0। क्या करने, पक्षांतरण करने पर करो पक्षांतरण, सीखे होंगे शायद पक्षांतरण, एक तरफ चर और एक तरफ अचर, तो माइनस के कितने हो गए 2n - -10, n = -10/2, n = कितना आ गया 5। पांचवा पद बोलो कितने गए, शून्य है, पांचवा पद शून्य भाई है। प्रतिस्थापन विधि भी लग सकती है इसमें, इसमें आपके 10 सवाल हैं।